أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أَمَّنْ قَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ माँ का नकुम तुम भी तो शाह अला बलहम कौम अदिल अजीम नाजरीन और साम ये बीसवा पारा है इस पारे में तीन सूरतें हैं नमल खस अनकबूत इसमें जो मजामीन आए हैं उन पर एक निगाह डाल लेते हैं पहला रुकू बड़ा शानदार है पुरज़ोर है अपीलिंग है चैलेंजिंग है अल्लाह तबारक ताली ने आसमानों ज़मीन से बेशुमार नशानियों को बता बता कर पूछा ये सब हमने तुम्हारे लिए इंतज़ाम किया बताओ क्या अल्लाह ताला के अलावा कुछ और इलाह भी हैं कुछ और हस्तियाँ भी हैं जिन्होंने तुम्हारे लिए ये सब साजो सामान तैयार किए ये छः फीसद मजमून है उसके बाद रुकू नंबर दो और तीन उसमें नबी करीम वसल्लम को जिस तरह से लोग सवाल के ज़रिए अजियत देते थे उनमें से एक ये कि क्या मरने के बाद वाक़ता कोई ज़िंदगी होगी क्या ये बात सच्ची है ये तो हमारी समझ में आने वाली नहीं है ये और इस तरह कि ये मजाक उड़ाते थे आपको बताया गया कि हमें मालूम है कि आपको इससे तकलीफ़ हो रही है लेकिन इतमान रखिए आप कामयाब होंगे और एक दिन आएगा जिस दिन ये लोग पछताएंगे अपनी किए पर और उस दिन उनके सारे माबूद रफ़ू चक्कर हो जाएंगे और कोई उनको बचाने वाला नहीं होगा उनके चेहरे आग में झुलसे जाएंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि आप ऐलान कर दीजिए कि तुम मानो ना मानो मेरा काम है कुरान मजीद की दावत को तुम्हारे सामने पेश कर देना रुकू नंबर पांच से रुकू नंबर आठ तक पच्चीस फीसद मजमून है सुरह कसस यहाँ से शुरू होती है हज़रत मूसा सलाम का जिक्र है आपके ज़िंदगी के वाकयात को कुरान में जहाँ जहाँ बयान किया गया है उनमें से तवील तरीन जो दो तीन जगह हैं उनमें से एक कसस भी है इनशाला आज के अहम इसबाक में उस पर हम कुछ तफसी से गुफ्तु करेंगे रुकु नंबर नौ और दस ये तेरह फ़ीसद मजमून है इसमें अल्लाह तबरक ताली ने बताया कि अम्बिया का काम था अपनी दावत को पेश करना पूरी संजीदगी के साथ जब उन्होंने हक़ अदा कर दिया उसके बाद जिन कौमों ने मान कर नहीं दिया उन पर अल्लाह ताला का अजाब आया और वो नेशंस डिस्ट्रॉय हो गई ख़त्म हो गई उसकी बुनियादी वजह अल्लाह ताला ने उन्हें दुनिया के साजो सामान दिए थे दुनिया की दौलत दुनिया में दौलत की फ्रावानी इन सब चीज़ों को पाकर वो अकड़फों दिखाने लगे आखिरकार अल्लाह ताला ने पकड़ लिया इस दुनिया में वो अपने गुमराह को नकीदों के साथ वो मामोदान बातिल की पूजा पाठ करते थे क़यामत का दिन वो होगा जब उन्हें पुकारा जाएगा तो वो सब गायब हो जाएंगे कोई उनके मामोदान जो बातिल मामोदान हैं उनकी मदद के लिए आ नहीं सकते लोगों से बताया गया कि अल्लाह ताला को पहचानने के लिए आसमान और ज़मीन पर निगाह डाल लेना काफ़ी है उसमें बेशुमार ही ये तेरह फीसद मजमून है रुकू नंबर ग्यारह में क़ारून का किस्सा बयान किया गया है वह हज़रत मूसा की कौम का फ़र्द था लेकिन वह फिरअन के साथियों में से था वो बहुत बड़ा कैपिटलिस्ट था वो क्रोनी कैपिटलिस्ट था वो यारी दोस्ती में सरमाकारी करता था किस तरह से बनी इसराइल की कौम के कुछ लोग उसे देख कर रश्क करते थे ईमान वालों ने कहा कि नहीं इस तरह के लोगों को देखकर रश करने की ज़रूरत नहीं है जो दुनिया परस्त हैं जिन्हें सिर्फ दुनिया की दौलत अजीज़ है ना कौम अजीज़ है ना गुरवा अजीज है ना खुदा का हक ये अपने माल में निकालते हैं ऐसे लोगों पर रश्क नहीं करना चाहिए आखिरकार हुआ ये कि अल्लाह ताला ने उसे ज़मीन में धंसा दिया रुकू नंबर बारह में ये बताया नबी करीम अलैहि वसल्लम को इतमनान दिलाया गया कि जिस खुदा ने आप पर यह कुरान नाजिल किया है वही आपको इस कुरानी मिशन के हसूल में मदद करेगा और आपको ज़रूर लौट आएगा वहाँ आज हालात हो सकता है कि साजगार नज़र ना आते हों लेकिन कुरान की ये दावत इन एक ना एक दिन ज़रूर कामयाब होकर रहेगी ये पेशिंद गोई की गई ये छः फीसद मजमून है रुकू नंबर तेरह से अनकबूत सूरत शुरू होती है उसमें यह बताया गया कि मोमिन को अल्लाह ताला आजमाता है ईमान लाने के बाद आजमाना उसकी सुन्नतों में से एक सुन्नत है लेकिन जिनका ईमान कमज़ोर होता है वो खुदा की आजमाइश को अजाब समझने लगते हैं हालांकि आजमाइश को आजमाइश समझना चाहिए आजमाइश और अजाब में फ़र्क यह है कि तकलीफ तो दोनों में है लेकिन जब दिल खुदा की तरफ मायल हो तो ये आजमाइश है जब दिल खुदा से दूर हो जाए तो यह अजाब है रुकु नंबर चौदह पंद्रह और सोलह यानि इस पारे का उन्नीस फ़ीसद मजमून वो अम्ब्या कराम की सरगुजिशतें सरगुजते हैं नू आमाम इब्राहीम लूतम इनका ज़िक्र किया और बताया कि अ रसूल अगर आपका लोग इनकार करते हैं तो याद रहे कि इससे पहले इन रसूलों की कौमों ने भी इनकार किया और उनका जो कुछ अंजाम हुआ वो तारीख़ में सख्त है और आपके नहीं मानने वालों को मालूम होना चाहिए कि अगर उसी रास्ते पर वो भी बक टूट चले जाएंगे तो उसी अंजाम से वो भी दो चार होंगे फिर उसके बाद हजरत शुब का किस्सा आया कौम समूद का तस्करा आया और बताया कि अल्लाह ताला ने अलग अलग कौमों को अलग अलग तरीके से पनिशमेंट दिया अजाब भेजने के तरीक़े अलग अलग रहे उनका तस्करा फरमाया और उसके बाद ये बताया गया कि ये सब लोग जो दुनिया से नीस्त व नाबूद हो गए वो या तो अपने दोस्त अहबाब अपने हल्का आरान अपनी जमीयत अपनी जमात अपना लश्कर इस पर एतबार था भरोसा था या अपनी दौलत इस पर वो तकिया किए हुए थे या झूठे मबूद वो खुदा जिनके लिए कोई सनद नहीं लोगों ने खुद कुछ नाम थे जो घड़ लिए उन्होंने माबूद बना लिया था ये सब ऐसे कमज़ोर सहारे हैं जैसे मकड़ी के जाले होते हैं खातिन हो इस पर ये पारा ख़त्म होता है अब आते हैं इस पारे के दो मजामीन को लेते हैं नंबर एक ये है कि ऑर्डरलीनेस ऑफ नेचर कायनात में जो नज़म, जो जब्त जो हम आहंगी पाई जाती है वो एक ख़ुदा मास्टर डिज़ाइनर और एक इंटेलिजेंट डिज़ाइनर का पता देते हैं इस पर हम बात करते हैं यानी यह है कि मजहब इस्लाम जो कुछ तालीम देता है उसमें आँखें खोलने के लिए बसीरत से देखने के लिए लोगों को तरगीब देता है आसमान और ज़मीन के नज़्म को देखो सूरज चाँद को देखो बारिश के बरसने को देखो नबात के उगने को देखो दरिया और नदियों के बहने को देखो हर तरफ खुदा की जो नशानियाँ बिखरी हुई उनका जिक्र करता है लोगों से कहता है कि आँखें खोल कर देखो ये सारे साइंटिफिक फैक्ट्स हैं ये सारे जो फैनमिन हैं ये नेचर में जितनी चीज़ें पाई जाती हैं ये सब तुम्हारे लिए बहुत मेटिकुलसली डिज़ाइंड हैं कैलकुलेटेड हैं इनमें ज़रा बराबर फ़र्क हो जाए तो इस रोए ज़मीन पर ज़िंदगी महाल है इंसान जी नहीं सकता इतने बारीक कैलकुलेशन के साथ इस ज़मीन को तुम्हारे लिए जीने के लायक और साजगार बनाया उस रब को नहीं पहचानते उसका एहसान नहीं मानते खाते किसी और का हो गुन किसी और के गाते हो यह रवैया तो बहुत नामाकूल है तो आइंस्टीन का एक कोटेशन मैंने यहाँ पोस्ट किया है वो देखिए साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड आज दुनिया में जो साइंस पाई जाती है उसने मजहब का इनकार कर दिया इसलिए वो साइंस एक टांग पर खड़ी है ऑब्जर्वेशन पर तो खड़ी है लेकिन उसका इंफ्रेंस सही नहीं है रिलीजन आज दुनिया में जितने पाए जाते हैं इस्लाम के अलावा उनका प्रॉब्लम यह है कि उसमें अख़ल को दखल नहीं उसमें साइंस नहीं उसमें दुनिया के जो इश्यूज़ और मसाइल हैं उसके साथ वो महाकमा नहीं कर सकते उन इश्यूज़ को वो डील नहीं कर सकते इसलिए कि नॉलेज उनके पास मौजूद नहीं ऑब्ज़रवेशन और साइंस और मतलब और दुनिया में तहक़ीक़ इन सारी चीज़ों का कोई दखल उन मज़ाहब के अंदर मौजूद नहीं है तो रिलीजन विदाउट साइंस इज़ ब्लाइंड इस्लाम दोनों के साथ चलता है दोस्तों और साथियों कायनात का मुताला करने से चार बड़ी हकीकतें समझ में आती हैं चार बड़ी बातें समझ में आती हैं नंबर एक ये है कि वास्टनेस इन यूनिवर्स जिस चीज़ को भी देखो अल्लाह तबरक ने बहुत वसी, बहुत वसी बहुत वसी बहुत वसी बनाया है बेशुमार बनाया है इंसानी अकल हैरान दरमानदा रह जाती है इतनी बड़ी कायनात इंसान ने कैसे कैसे इंस्ट्रूमेंट ईजाद किए दूर दूर तक कायन को झांक कर देखने की कोशिश कर रहा है लेकिन इंसान जो कुछ जानता है वो नहीं जानने के बराबर उस तनासुब में देखें तो एक समंदर आप तसुर कीजिए जो अन नोन नॉलेज है और उस समंदर में कोई उंगली डुबो कर निकाले तो उसकी उंगली में जितना पानी लगेगा वो नोन नॉलेज है और अन दुनिया बहुत बड़ी दुनिया है बास अल्लाह तैदा किया ये तो पूरी यूनिवर्स है ये दुनिया कितनी बड़ी है दुनिया में जंगलात कितने हैं पत्ते कितने हैं अनवा अकसाम के जानवर मवेशी और कितने स्पेशीज़ पाए जाते हैं आप अगर सफ़र करें कभी बेंगलोर से मद्रास से दिल्ली तक कभी देखेंगे कि बादल 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 2000 किलोमीटर तक मुसलसल बादल ही बादल नज़र आने लगते हैं वास्टनेस इन द यूनिवर्स नंबर एक नंबर दो ऑर्डरलीनेस इन यूनिवर्स हर चीज के पीछे एक नज्म है कोई काम अल्टअप नहीं है इस ज़मीन में एक दाना उगने के लिए पानी चाहिए पानी बारिश से बरसता है बारिश के लिए बादल चाहिए बादलों के लिए हवा चाहिए बादल के उठने के लिए आबी ब जो वाटर वेपर से समंदर से उड़ते हैं और समंदर के पानी को वाटर वेपर में कन्वर्ट करने के लिए सन चाहिए एक पूरा निज़ाम है एक दाना ज़मीन में जड़ पकड़ कर उससे पौधा निकले उसके लिए पूरे यूनिवर्स का एक सिस्टम काम करता है नंबर तीन पर्पसफुलनेस से इस कायनात में कोई काम कोई चीज कोई फिनन बेकार नहीं है हर एक के पीछे एक पर्पस है और उस पर्पस को आप देखेंगे तो इंसानियत के लिए अल्लाह ताला ने उसे मुशर किया है पहाड़ को गाड़ रखा है तो उसके पीछे एक पर्पस है वो जमीन को बैलेंस भी करता है मौसमियात की तब्दीली में भी रोल प्ले करता है वेजिटेशन के ग्रोथ में भी रोल प्ले करता है बहुत से काम करता है एक पहाड़ एक सूरज को ले लें चांद को ले लें हवा को ले लें बादल को ले लें हर चीज़ के पीछे एक पर्पज़ है और चौथी और आखिरी बात यह कि आर्टिस्ट्री अल्लाह ताला ने कायनात में जितनी चीज़ें पैदा की बहुत खूबसूरत और आर्टिस्ट्री उसके अंदर पाई जाती है सन्नाई और कारीगरी और उसके अंदर खूबसूरती और हुस्न पाया जाता है सूरज को देखिए चांद को देखिए पहाड़ों को देखिए दरख्तों को देखिए एक छोटी तितली को देखिए जीबरा देखिए हरन को देखिए शेर को देखिए आप जिस चीज़ को देख लीजिए उसके अंदर आर्टिस्ट्री आप पाएंगे उसके अंदर सन्नाई आप पाएंगे उसके अंदर आप फनकारी देखेंगे उसके अंदर आप हस्न वमाल को देखेंगे ये चारों चीज़ें अब आप आइए के पहले रुकू का मताल कीजिए इतमान से मुताल कीजिए घर में बैठ मैं आपको रिकमेंड करूँगा कुरान खोलिए और तफीमुल कुरान में इस जगह जितनी शानदार जितनी दिल नशीन तशरी की गई है किसी और जगह मुझे वैसी चीज़ पढ़ने को नहीं मिली मौलाना मौदूदी रहा ने बहुत शानदार तरीक़े से ख़ास कर नौजवानों के जहन को अपील करने वाला तर्ज बयान जिससे इंसान को इतमनान होता है पढ़ने की बात कि इस कायनात को अल्लाह ताली ने हमारे लिए कैसे पैदा किया वो कितना रहीम है कैसा सान अजीम है कैसा वो खालिक है कितना बेहतरीन वो डिज़ाइनर है किस बारीक बीनी के साथ उसने इस कायनात की चीज़ों को पैदा किया है आप अश अश कर उठेंगे मैं बस दो तीन चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ नंबर एक रेन सॉयल वेजिटेशन इस पूरे साइकिल को आप देख लीजिए मन कलक समावाती वर्जा भला बताओ तुम और बहुत से माबुदान बातिल की पूजा करते हो वो बेहतर हैं या ये कि वो खुदा जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया वह अंदर अलकू समाई माँ और जिसने आसमान से तुम्हारे लिए पानी बरसाया वह अम्बत न भी ज़ात बह जा और वह परवरदिगार जिसने बहुत घने घने बाग़ा तुम्हारे लिए पैदा किए माँ काना लकुम अं तुम भी तो शज रहा ये तुम्हारे बस की बात नहीं थी कि इतने अनवाकसाम के पेड़ पौधे दरख्त फल फूल ये तुम उगाते तुम्हारे बस की बात नहीं परवरदिगार ने तुम्हारे लिए सब पैदा किया अला क्या अल्लाह के अलावा कोई और मबूद हैं जिन्होंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए साजगार बना दिया बलहम कौम यादल तुम्हारा मामला ये है कि तुम हद से गुजर जाने वाले लोग हो अमन जाल करारा कौन है जिसने ज़मीन को तुम्हारे लिए जाए करार बनाया वजाल अनहारा और उसके बीच में नहरें किसने जारी कर दीं वजाल वासिया और किसने पहाड़ों को ज़मीन पर गाड़ दिया वजाल बैन अल बहर हाजिज़ा और किसने दो दो किस्म के समंदरों के बीच में ओट पर्दे हायल कर रखे अलाम अल्लाह क्या अल्लाह के अलावा कोई और ख़ुदा हैं जिन्होंने यह साजगारी पैदा की बल अक्सर हम ला वाक़ा ये है कि तुम जानते ही नहीं हो ये बहुत ही पावरफुल आयतें हैं इन में देखिए कि एक दरख्त पौधा उगने के लिए कितनी मुनासिबतें चाहिए नंबर एक टाइमिंग ऑफ रेन बारिश को जिस वक्त बरसता है उसी वक्त तो बारिश बरसे और बाज़ मरतबा बारिश अगर बेवक़्त बरस जाए तो फ़सल तबाह बर्बाद हो जाती है और बाज मरतबा एक दिन की बारिश की ज़रूरत होती है जब फूल खिलने का वक्त आता है जैसे कि कॉफी प्लांटेशन वगैरह में देखा गया कि एक पर्टिकुलर डे की बारिश बहुत ज़रूरी है जिसके नतीजे में फूल खिलने लगते हैं और फसल लह लहा उठती है ये टाइमिंग जो रेन का है ये अल्लाह तबरक तारा ने बहुत ही बारीक कैलकुलेशन पर मबनी निज़ाम बना रखा है क्वांटिटी ऑफ रेन बारिश की मकदार भी बहुत ज़रूरी है कम मकदार में बारिश बरसे तो फसल पकती नहीं फसल तैयार नहीं होती और ज़्यादा मकदार में बारिश हो जाए तो फसलें बर्बाद हो जाती हैं क्वालिटी ऑफ रेन बारिश की जो क्वालिटी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कभी एसिडिक रेन होती है यानी बारिश में एसिड का कंटेंट होता है कभी बारिश के साथ ओले बरसने लगते हैं ये सब क्वालिटी ऑफ रेन है कि किस किस्म की बारिश किस फसल के लिए किस सब्जी के लिए और किस दरख्त के लिए ज़रूरी है उसी क्वालिटी की बारिश अल्लाह ताला बरसाता है फिर अल्लाह ताला ने ज़मीनें जो बनाई हैं उनमें अलग अलग खत्ते बनाए हैं अलग अलग पैचेस ऑफ लैंड बनाए हैं उनकी फर्टिलिटी अलग है ब्लैक कॉटन सॉइल उसकी फर्टिलिटी अलग है रेड सॉइल उसकी फर्टिलिटी अलग है और जो साहिली इलाकों में आप देखते हैं सैंडी सॉइल तो, तो उसकी फर्टिलिटी अलग है ऐसी दुनिया में अलग अलग जमीनों के खत्ते अल्लाह ताला ने बनाए उनके अंदर अल्लाह ताला ने तिटी को अलग रखा है उसके अंदर बैक्टीरिया के कंटेंट को मुख्तलिफ बनाया है बैक्टीरिया की भी किस्में अलग हैं कुछ बैक्टीरिया वो हैं जो ज़मीन में गिरने वाली हर चीज़ को तोड़ कर उसके हिस्से बकरे कर देते हैं कुछ बैक्टीरिया वो हैं जो ज़मीन में पाए जाने वाले मदानियात और नमक और दीगर चीज़ों को जमा करके जोड़ देते हैं तो इस तरह से अल्लाह तबरक ताल ने कितनी जो है बारीकी के साथ कितनी लताफत के साथ कितने सटल अंदाज में इन सारी चीज़ों का अहमाम किया है फिर क्लाइमेट बहुत ज़रूरी है ये यानी यह है कि जो वार्म क्लाइमेट है वहाँ जो चीज़ें पैदा होती हैं वो कोल्ड क्लाइमेट में नहीं होती जो कोल्ड क्लाइमेट में जो चीज़ें पैदा होती हैं वो दीगर जो मौसमियात वहाँ उस तरह की चीज़ें पैदा नहीं होती फल फ्रूट वगैरह के पकने बनने तैयार होने के लिए अल्लाह ताला ने दुनिया में अलग अलग किस्म के मौसम बना रखे हैं और फिर उसके बाद अल्लाह तबारक का ताला पानी बरसाता है ज़मीन और क्लाइमेट और हवा इन सब के मुनासिब तनासब में मिलने के बाद फिर उसके लिए टम्परेचर करना ज़रूर है कि किस टेम्परेचर में कौन सी फसल तैयार होती है कौन सा दाना उगता है कौन सा पौधा उगता है इन सब चीजों की मुनासिबत के बाद वो चीजें तुम्हें मिलती हैं जिन्हें तुम लज्जत के साथ खाते हो उससे लुत्फानंदोज होते हो लेकिन उसके पीछे जो हमत है और जो खुदाई क़ुव्वत और रबूबियत कारमाई कर रही है उसका तुम्हें अंदाजा नहीं है नंबर दो आप देखिए अर्थ हैबिटेबल अल्लाह ताला ने ज़मीन को हमारे लिए जीने के लायक बनाया कितनी मुनासिबतें हैं कितने पेचिदा कैलकुलेशन हैं जिसके नतीजे में ये ज़मीन हमारे लिए जाए करार बनी है आप देख लीजिए कि अल्लाह ताला ने ज़मीन को सूरज से ख़ास फ़ासले पर रखा है अगर ये ज़मीन सूरज के करीब हो जाए तो इतनी गर्मी होने लगती कि इंसान वहाँ जी नहीं सकते अगर इस ज़मीन को सूरज से कुछ दूर अल्लाह ताला कर देता तो इतनी सर्दी होती रातें लंबी हो जाती कि इंसान की जिंदगी यहाँ मुमकिन नहीं होती थी अल्लाह तबरक ताल ने कितनी मुनासिबत के साथ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में ज़मीन को रखा फिर इसका एक रोटेशन है सूरज की तरफ ये ज़मीन घूमती है और तीन दिनों में ये अपना चक्कर ख़त्म करती है अगर ये और ज़्यादा दिनों में चक्कर ख़त्म करती तो भी मौसमियात बदल जाती ज़िंदगी यहाँ महाल होती और अगर ये तेज़ दौड़ने लगती और तेज़ रफ्तार में घूमने लगती तो इतने हचकोले खाती ज़मीन कि यहाँ इंसान के जीने के लायक़ ज़मीन नहीं होती फिर अल्लाह तबरक़ा ने इस ग्लोब को ट्वेंटी थ्री एंड हाफ़ डिग्री टिल्ट किया है आप इसे और आधा डिग्री टिल्ट नहीं कर सकते आप इसे राउंड फिगर नहीं कर सकते 23 एंड हाफ़ डिग्री टिल्ट करने के नतीजे में जब ज़मीन जो है रिवॉल्व होती है सूरज के तरफ़ तो दिन और रात का बारी बारी आना कभी दिन लंबा होता है रात छोटी होती है कभी रात बड़ी हो जाती है दिन छोटा हो जाता है और कभी गर्मी का ज़माना आता है कभी सर्दी का ज़माना आता है और अल्लाह ताला ने नॉर्थ पोल और साउथ पोल में आइस के जो कैप बना रखे हैं उसके ज़रिए से वाटर के जो रिजर्वायर बना रखे हैं उन सारी चीज़ों का प्रजर्वेशन इस टिल्ट में मौजूद है अगर इस टिल्ट को आप चेंज कर देंगे तो फिर ये दुनिया जीने के लायक नहीं होगी इस एटमोसफियर जमीन के ऊपर 500 सौ मील के आसपास तक अल्लाह तला ने हवाओं का रद्दा चढ़ा रखा है और हर दिन कम अज कम दो करोड़ मीटियोराइट शिहाब साकिब या टूट कर गिरने वाले तारे जैसे हम आम जुबान में कहते हैं वो जमीन की तरफ बड़ी तेजी से आते हैं और कितनी तेजी से थर्टी माइल्स पर सेकेंड इतनी तेज रफ्तार के साथ यानी अगर ये हवा का रद्दा ना होता हवा के ये लेयर्स ना होते एटमोसफियर ना होता तो टू करोड़ जो मिटोरइड्स हैं रोजाना वो बम्बारी उसकी होती और ये जमीन नीस तो नाबूद हो जाती यहाँ एक दाना एक तिनका एक घास उगने के लायक नहीं ये जमीन इस तरह से बंजर हो जाती है अगर हवा का रद्दा अल्लाना रखा और इसी हवा के रद्दे में हमारे लिए ऑक्सीजन रखा और बहुत सी मुफीद जो गैसें है वो सब अल्लाह ताला ने हमारे इंतज़ाम के लिए रखा है वाटर बॉडीज़ इंड रिजर्वायर्स अल्लाह ताला ने पानी का इंतजाम कर रखा समंदर में भी रखा है नदी नाले भी बनाए उसने झील भी बनाए आइस के कैप्स भी बना रखे हैं और अंडरग्राउंड वाटर्स भी जहाँ हम बोर करके या कुआँ खोद कर पानी को निकालते हैं पानी को मुख्तलिफ जगह अल्लाह ताला, ताला ने स्टोर करके रखा और वही इंसानी ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ा जरिया है पानी ना हो जिस प्लानट में पानी नहीं वहाँ इंसानी वजूद महाल है और उसके बाद तबारा तौला ने ज़मीन में ग्रेविटेशनल पुल रखा 9.8 पॉइंट एट मीटर्स पर सकेंड स्क्वायर अगर इसमें ये ग्रेविटी ज़्यादा हो जाए तो फिर हवाएं जमीन जस् कर लेती समंदर का पानी अंदर हो जाता इंसान नाटे हो जाते छोटे हो जाते इंसान का चलना मुश्किल हो जाता और अगर इस ग्रेविटेशनल पुल को अल्लाह ताला लूज़ कर देता तो फिर समंदर उबल पड़ते हवाएं ऊपर उड़ जाती इंसान जो है उनके हाइट लंबे हो जाते इंसान ज़मीन पर चलते नहीं बल्कि उड़ने लगते ज़िंदगी का तस्वर नहीं कर सकते अगर ग्रेविटेशनल कम या ज्यादा कर दें तो दोनों सूरतों में जिंदगी महाल है फिर इसी तरह से बैरोमेट्रिक प्रेशर ऊपर हवा का जो दबाव है 76 सिक्स सेंटीमीटर्स कॉलम्स ऑफ मेरक्यूरी जो दबाव है ये दबाव अगर कुछ ज़्यादा हो जाए तो फिर इंसान ज़मीन में रेंगने लगते और अगर ये बैरोमेट्रिक प्रेशर को कम कर देता अल्लाह तो उसके नतीजे में यहाँ जो है गैसेस उड़ जाती और इंसान जी नहीं सकता था ये जो बारीक से बारीक तरीन जो कैलकुलेशनस हैं जो मुनासिबतें हैं और जो आपस में जो इंटरकनेक्टेडनेस है इंटैंगल्ड ही सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ इंटैंगल्ड हैं जिसके नतीजे में दुनिया में जिंदगी मुमकिन है ये सब किसने इंतज़ाम किया अल्लाह ताला पूछता है ये मालूम होना चाहिए कि अल्लाह तबरक ने ये सब इंतजाम इंसानों के लिए कर रखे हैं इसके अलावा अल्लाह ताला ने और बहुत से सवाल किए हैं उन सवालत पर इस वक्त गुफ्तू करने का मौका नहीं है वक्त की कमी के नतीजे में एक्शन प्लान ये है कि ऑब्जर्व नेचर एंड लुक फॉर फोर एलिमेंट कायनात में से किसी चार चीज़ को लीजिए और उस पर गौर कीजिए कि अल्लाह ताला ने जो बनाया है उसमें जो फोर एलिमेंट वास्टनेस का और पर्पसफुलनेस का और आर्टिस्ट्री का और फिर ऑर्डरलीनेस का इस पर आप गौर करिए नंबर दो तो ये है कि डिड यू ड्रॉ एनी लेसेंस फ्रॉम एनी ऑफ योर सफरिंग्स ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किल आती हैं खुदाए ही है जो हमारी दुआओं को सुनता है और दिल बरार को सुकून अदा करता है उसका भी जायज़ा लीजिए खवातिन तो हजरात अब हम आते हैं दूसरे मौजू पर दूसरे नंबर पर आज का सबक़ सबक नंबर दो और रमज़ान का लेसन नंबर फोर्टी उसमें वीमेन इन मूसास लाइफ हजरत मूसा सलाम की ज़िंदगी में खातीन का रोल इस पर हम बात करेंगे बहुत ही दिलचस्प चीज़ है आप हैरत करेंगे कि हज़रत मूसा सलाम का किस्सा कुरान ने जो बयान किया है उसमें हज़रत सलाम के साथ जो करेक्टर्स आते हैं उसमें आप देखेंगे कि पांच मर्दों का कैरेक्टर मिलेगा तो पांच खुवातन का कैरेक्टर मिलेगा लगभग यानी यह है कि औरतों का भी उतना ही इक्वल रोल है उस पूरी कहानी में यह बहुत ही दिलचस्प चीज़ है हज़रत मूसीम की कहानी सुरख़ में जो शुरू होती है उसमें अल्लाह तबरक ताली ने पहले दो औरतों का जिक्र किया फिर उसके बाद एक तीसरी औरत का जिक्र किया फिर उसके बाद और दो औरतों का जिक्र आता है इस तरह से पांच खवातीन का कंट्रीब्यूशन है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में और उनके सक्सेस के पीछे कुरान कहता है वह फुआद उम्मी मूसा फारिगा फिरौन ने जब ऐलान कर दिया कि जो बच्चे बनी इसराइल में पैदा होंगे उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा तो मूसा की माँ का दिल उड़ा जा रहा था उसका दिल खाली हो रहा था बेकरार हो रहा था इनकादत लतुबदी बिही क़रीब था कि वो एक्सप्रेस कर देती अपनी एंग्जाइटी लौलाब ना अला कल भी है अगर हम उसके दिल को जमाए ना रखते लि तक अमिन ताकि वो मोमिनों में से होकर रहे वो वालत ली उखती ही कुस्सी, उसने मूसा की बहन से कहा यानी अपनी बेटी से कहा क्या कहा उसने कहा फूरत भी अन जुनू बूँ वहुम लायश अरून बेटी से कहा कि जा पीछे से और भाई पर निगारक उन्हें मालूम होने न पाए कि तू उस बच्चे को फॉलो कर रही है हज़रत मूसा की माँ ने टोकरी में रखकर अपने बच्चे को दरिया के हवाले कर दिया और अल्लाह ताला की हमत ये थी कि वो बच्चा तैरता हुआ फिरौन के घर के पास उसके महल के पास जाकर पहुंचा। वहाँ एक तीसरी औरत वो फिरौन की बीवी थी बीवी आसिया उन्होंने बच्चे को उठाया फिरौन ने पूछा कि इस बच्चे को तुमने क्यों उठा लिया कहा कि ये बहुत अच्छा बच्चा है प्यारा बच्चा है हो सकता है कि मैं इसे अपना बेटा बना लें उसने शोहर को कन्विंस किया और वहाँ अपने बच्चे की तरह पालना शुरू किया लेकिन वह बच्चा किसी तरह से किसी औरत के दूध को मुंह नहीं लगा रहा था तो ये बहन पीछे पीछे आई और आकर इस रॉयल फैमिली की औरतों से उसने बात की और कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसी औरत का पता दे सकती हूँ जहाँ जाकर हो सकता है कि ये बच्चा दूध पिए वापस अल्लाह ताला ने ये फ़ैसला किया हजरत मूसा को उनकी माँ की गोद में पहुँचा दिया इस तरह से तीन खवातीन ने तो वहाँ रोल अदा किया फिर उसके बाद हजरत मिसम बड़े हो गए और एक वाक़ हो गया आपकी मुक्का से एक आदमी की मौत वाक़ हो गई तो मिस्र छोड़ कर आप मदियन चले गए मदियन पहुँचे तो वहाँ दो बहनें खड़ी हुई थी कुआं के पास पानी पिलाने के लिए और बहुत से चरवाहे थे और ये दो बहनें अपनी बकरियों को खींच कर पकड़ कर रुकी हुई थी मूसा ने पूछा क्यों रुकी हुई हो तो बताया कि मर्द लोग जब तक पानी नहीं पिला लेते हम अपनी बकरियों को पानी पिलाने का मौका मिलता ही नहीं जब वो सब लोग फारिग हो गए तो हज़रत मूसा सलाम ने पानी सेंच कर उन बकरियों को पिला दिया ये दोनों बहनें गई अपने वालिद साहब के पास और बताया हज़रत मूसा सलाम का तारुफ़ करवाया और फिर उनमें से एक बहन आई और कहा कि अब्बा आपको बुला रहे हैं हज़रत मूसा सलाम आगे चलने लगे पीछे वो लड़की आने लगी और कहा कि जब भी रास्ता बदलना हो राइट या लेफ्ट मोड़ना हो तो मुझे बता देना हो तो उस तरह से हजरत मूसा आगे चलते रहे और लड़की पीछे चलती रही पहुंचे तो के होने वाले ससुर ने ऑफर दिया कि दो बहनें हैं ये इनमें से जिससे चाहो तुम निकाह कर सकते हो और महर यह है कि तुम्हें आठ साल मेरे पास उजरत या लेबर करनी पड़ेगी दस साल कर दो तो अच्छा है इस पर रज़ामंदी हो गई और हज़रत मूसा सलाम ने उन दो बहनों में से एक बहन से शादी कर ली आठ साल के वक्फे के बाद या वो मुद्दत जब पूरी हो गई एग्रीमेंट की मुदत तो वहाँ से फिर निकले और मिसर की तरफ आ रहे थे तो रास्ते में हज़रत मूा सलाम को अल्लाह ताली ने नबी बनाया पैम्बर बना दिया अब इस वाक़े में आप देखिए जो लेसेंस हमारे सामने आते हैं वो लेसनस यहाँ मैंने पेश किए हैं आप ग़ौर से देख सकते हैं बारह लेसनस हैं नंबर एक है कि औरतों का जो रोल है यही बिल्कुल मौजू है आज का और मैंने बताया कि पांच खवातीन आई हैं इस पूरे वाक्य में हजरत सलाम की ज़िंदगी में उनमें से पांचों ने बहुत अहम रोल प्ले किया है और खुतिन के सिलसिले में हमारा परसपशन हमारा कंसेप्शन हमारा आइडिया या हमारी सोसाइटी में जो उनका इस वक्त रोल हमने सुकड़ कर रख दिया है उसके बिलमुबले में कुरान बताता है कि कितना बड़ा रोल प्ले किया उन्होंने और कितना डायनामिक रोल प्ले किया है एक नबी और उसके सक्सेस के लिए जिस तरीके से शख्सियत की परवरिश चाहिए जिस सतह की शख्सियत की पर्दाश चाहिए उन सब में खुवा ने रोल प्ले किया नंबर एक देख लीजिए उमसा का स्ट्राग बिलीफ खुदा पर यकीन पुख्ता यकी और उसके साथ स्ट्रेटजी या तो यह मुमकिन था कि बच्चे को अपने गोद ही में रखती और फिरौन के दरबारी आते जो जो बच्चे पैदा हुए थे उन बच्चों को गोदों से उठाते थे और कत्ल कर देते थे तो मूसा अलैहिस्सलाम का कत्ल आन मुमकिन था लेकिन ने स्ट्रेटजी की और एक ऐसी टोकरी के अंदर रखा उसकी समझदारी देखी कि उस टोकरी में बच्चा महफूज भी रहे और वो टोकरी डूबने ना भी पाए इस तरह से टोकरी में रखकर स्ट्रेटजी करके उसने बच्चे को दरिया के हवाले कर दिया खुदा के यकीन पर ये खुदा पर यकीन हमारी औरतों का और हालात के लिहाज से उसकी नज़ाकत में स्ट्रेटजीज़ को बनाना ताकि आइंदा नस्लें ईमान पर क़ायम रहें आइंदा नस्लों की हिफाजत हो सके ये बहुत बड़ा लेसन है जो हमें इसमें सीखना चाहिए नंबर दो बहन को देखिए हजरत मऊलम की बहन हजरत मूसा मऊसम से आठ दस साल बड़ी रही होगी छोटी बच्ची थी वो किस तरह से फॉलो करती है दरिया के साथ साथ पानी के साथ साथ और जब वो रॉयल पैलेस में बच्चा पहुंच जाता है तो एक दस साल की लड़की बिलखसूस वो जो उस वक्त सेकेंड क्लास सिटीजन बनाकर रख दी गई थी कौम उस कौम की एक लड़की बनी इसराइल की लड़की रॉयल फैमिली की औरतों से किस ढंग से किस सलीके से किस हमत से बात करती है और कन्विनसिंग अंदाज में बात करती है जिसके नतीजे में रॉयल फैमिली की औरतें तैयार हो जाती हैं और उस बच्चे को दाई के पास भेजती हैं दाई नहीं थी वो बल्कि माँ थी उसकी गोद में वापस बच्चा लौट जाता है इसमें बहन का बहुत बड़ा रोल है नंबर तीन यह है कि वीमन होल्ड इंडिपेंडेंट व्यूज एंड टेक डिसीशंस बीबी आसिया ने अपनी राय को बादशाह को मनवाया समझाया बादशाह ने कबूल किया उसके नतीजे में हजरत मूसीम की परवरिश मुमकिन हो सकी महल के अंदर नंबर चार दो बहनों का मामला यह है कि शाइनस डज़ नॉट मीन कीपिंग अवे फ्रॉम मेन शर्म हया का ये मतलब नहीं है कि हमारी लड़कियां मर्दों से बात ना करें ज़रूरत के वक्त उनसे डील ना करें वो इश्यूज़ को बयान ना कर सके ये नहीं है शाइनस बल्कि इन लड़कियों ने अपना इश्यू बयान किया अपना मसला बयान किया और हज़रत मूसीम ने मदद की तो उस मदद को लिया फिर वापस जाने के बाद घर में जाकर उस मर्द की तारीफ़ की और फिर बाप से कहा कि इसको उजरत पर रख लेना चाहिए फिर आकर उस मूसा इस्लाम से बात की उन्होंने और लेकर गई अपने घर तो ये सब ये है कि शाइनस डज नॉट मीन कीपिंग अवे फ्रॉम मैन नंबर पाँच ये हैं कि वीमेन कैन टेक पार्ट इन एक्नॉमिक एक्टिविटीज़ उनके वालिद बूढ़े हो चुके थे तो दो बहनें घर की मुआशी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले रखी थी और बकरियाँ चलाती थी जिसके नतीजे में उनका घर चलता था नंबर छः यह कि वीमेन कैन प्रपोज मैरिज नॉट फ्लेटिंग यानी यह है कि एक मर्द अजनबी मिला उसके साथ मुँह लगना उससे बातें करना उससे दिल लगी करना उससे दिल बहलाना ये गलत है लेकिन अपने वालिद से कहा कि ये लड़का बहुत अच्छा लगता है मुनासिब लगता है रिश्ते के लिए मैरिज को प्रपोज़ किया तो लड़कियों को ये इख्तियार भी होना चाहिए अगर वो संजीदा हैं अगर वो समझदार हैं अगर वो मेच्योर हैं तो मैरिज के प्रपोज़ल में उनकी राय ज़रूर लेनी चाहिए और उनकी पसंद ख्याल रखना चाहिए लड़के के बारे में उन्होंने बहुत सही पैरामीटर बताया कि कवी अमीन एक तो रग्ड मजबूत होना चाहिए और दूसरा ये कि अमीन होना चाहिए रिलायबल होना चाहिए अमानतदार होना चाहिए ये दो मूसा में पहचान लिया इन लड़कियों ने गोया के फर्द शनासी फ़र्द को पहचानने की सलाहियत इन लड़कियों में मौजूद थी बाप को जाकर बताया और बताया कि उजरत के लिए भी ऐसे ही लड़के को काम पर रखना चाहिए और अगर शादी हो तो भी यही दो क्राइटेरिया देखा जाना चाहिए कि लड़के के अंदर कमाने की खुवत है इस्तेदाद है कैपेबिलिटी है स्किल है टैलेंट है कि नहीं ये देखा जाए और दूसरा ये कि मॉरल लेवल पर कैरेक्टर के लेवल पर वो कितना अच्छा है ये दो चीज़ों को देखना चाहिए शादी के लिए भी लड़कियों ने बाप को बताया और उसके बाद नंबर आठ ये है कि कैरेक्टर इज़ एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन मैरिज यानी लड़के की खूबी के साथ साथ लड़के के अखलाक का भी तस्करा किया नंबर नौ यह है कि पेरेंट्स मस्ट ट्रस्ट देयर चिल्ड्रन व्हेन दे ग्रो मेच्योर जब बच्चे मेच्योर होने लगें, तो माँ बाप का भी एक काम है कि अपनी लड़कियों पर भी भरोसा करें अपनी बेटियों पर भी एतम करें नंबर दस ये है कि चिल्ड्रन शुड ट्रस्ट देयर पेरेंट्स फॉर फाइनल डिसीशन इन द मैटर्स ऑफ मैरिज और लड़कियों की जब सने बलोगत को पहुंच जाएं सने रुश्त को पहुंच जाएं अक़ल को पहुंच जाएं मैच्योरिटी को पहुंच जाएं और रिश्ते के सिलसिले में वो प्रपोजल भी रखें तब भी अपने बड़ों पर एतबार करना चाहिए उनकी जो सलाहियत है या उनके जो तजुर्बे हैं उसकी रोशनी में अगर वो सजेस्ट करें वो वॉच कर दें वो आपके आइडिया को पसंद करें तो बहुत अच्छा है तो लड़कियों की भी चाहिए कि अपने वालिदैन का एतबार

तो महर कितना रखा महर आठ साल की कमाई गौर करके देखिए कि आज के जमाने में एक बंदा अट अगर पच्चीस हजार रुपए भी कमाता है तो तीन लाख रुपए तो महीने के हो जाएंगे और आठ साल के मालूम मान लीजिए कि चौबीस पच्चीस हो जाएंगे। महर की इतनी बड़ी रकम का मुताबा किया हजरत मूसा ने तस्लीम किया और आठ साल तक उन्होंने उनके पास उजरत पर काम किया उसके बाद अपनी बीवी के लेकर मिसर की तरफ लौटे खुतिन एक्शन प्लान क्या है एक्शन प्लान ये यह do women play. सप्लीमेंट्री रोल और कॉम्प्लीमेंट्री रोल इन योर लाइफ आपकी ज़िंदगी में देखें सप्लीमेंट का मतलब यह है कि बस वो इजाफी चीज़ है वो जमीमा है जमीमा के बगैर भी न्यूज़पेपर अपने आप में मुकम्मल होता है एक ज़मीमा पीर का अलग होता है मंगल का अलग होता है चार शुभ का अलग लगा दिया जाता है तो डू दे प्ले सप्लीमेंट्री रोल या कॉम्प्लीमेंट्री रोल यानी यह कि मर्द और औरत और और एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री मर्द में जो चीज़ें नहीं वो औरत के अंदर है औरत जो चीज़ कर सकती वो मर्द नहीं कर सकता दोनों जब मिलते हैं तो खानदान खुशगवार होता है तो आपके घर में मसला है आपकी बीवी आपकी बेटी और दीगर लोग जो हैं उनका रोल क्या है देखिए और इस वाक्य से हमें मालूम होता है कि खात पावरफुल रोल प्ले करते हैं क्या वो रोल आपकी खातन प्ले कर रही हैं अगर नहीं है तो क्या वो रोल उन्हें दिया जा सकता ये गौर कीजिए नंबर दो एमपावर यूर वीमन विद नॉलेज करेज एंड डिसीजन मेकिंग स्किल हमारी खवतान को हमारी बच्चियों को हमारी बेटियों को बीवियों को और घर में जो खुतिन पलते हैं उन्हें इल्म से आरास्ता करना हिम्मत और शुजात देना और डिसीजन मेकिंग सलाहियत बहुत ज़रूरी है हमारी बच्चियाँ अपने स्कूल के प्रिंसिपल से बात करने डरने लगें हमारी बच्चियाँ अगर ट्रैफिक पुलिस से बात करने के लिए डरने लगें और हमारी बच्चियाँ किसी ऑफिस में जाकर काम काज करने के लिए अपना जो काम है उस काम को पूरा करने के लिए कम्युनिकेट न कर सके तो ये बड़ा प्रॉब्लम है हमारी बच्चों के अंदर इतना करेज हो स्किल हो नॉलेज हो वो बात कर सके अपना मसला खुद हल कर सके इतनी सलाहियत पैदा उनके अंदर हो जानी चाहिए अल्लाह ताली सुदुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान के नसबा को समझने और याद रखने की तौफीक अता फरमाए आमीन और आखिर दाववाना अनिल हमदुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन